चुनावी मैदान में उतरे इकुनाल सिंह ने अपार जन समर्थन के साथ भरा नामांकन पर्चा। शुक्रवार को बांका नगर परिषद चुनाव के नामांकन के चौथे दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसी कड़ी में बांका के युवा जनता की मांग और नियंत्रण पर चुनावी मैदान में उतरे शिक्षित, सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार इकुनाल सिंह ने भी अपने समर्थकों संग अनुमंडल कार्यालय में पहुंचकर सादगी से बिना किसी तामझाम के नॉमिनेशन SDM अरुण कुमार सिंह के टेबल पर जमा कर दिया है। नामांकन केंद्र से बाहर निकलकर कुणाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि बांका नगर परिषद के चेयरमैन पद पर काबिज होने के बाद उनका पहला प्राथमिकता सभी वार्ड क्षेत्र में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के साथ निर्बाध पेयजल आपूर्ति, अच्छी सड़कें और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से नालियों का निर्माण करना होगा, जिससे शहर में साफ सफाई की कोई समस्या नहीं रहे। अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल बांका के आवाम को ठगा गया है, इसलिए युवाओं के भरपूर प्यार के साथ बुजुर्गों का भी अपार समर्थन और आशीर्वाद उन्हें 9 जून को होने वाले मतदान में मिलने जा रहा है। उन्होंने बांका की सभी मतदाता मतदाताओं और बहनों से भी अपील किया है कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वे इस बार अपने मन की आवाज को सुने और उन्हें वोट करें, ताकि कोई भी सरकारी सुविधा जैसे PM आवास, वृद्धजन पेंशन, आजीविका लोन आदि के लिए उन्हें किसी तरह के परेशानियों का सामना न करना पड़े। शहर की प्रमुख समस्याओं पर उन्होंने कहा कि आज किसी भी वार्ड में जाकर खड़े हो जाएं तो परती जमीन पर लगने वाले टैक्स से लेकर अन्य समस्याओं का अंबार पर स्थानीय लोगों का चर्चा होते दिखता है, इसलिए उन्हें गिनाने से ज्यादा बेहतर है उनके समाधान के लिए निरंतर सभी के सहयोग से कार्य करना है। समाज सेवा में कुणाल सिंह की रुचि स्कूलिंग के वक्त से ही रही है। शहर के कई प्रमुख जगहों पर बिना किसी पद पर रहते हुए भी उनके द्वारा शीतल पेयजल का मशीन भी स्थापित किया गया था। इस दौरान ही कुणाल सिंह के साथ उनके प्रस्तावक सूरज झा, बंटी सिंह, मोनू सर, सौरभ, अभिजीत, गौरव, मनीष, शिवम सिंह, पीयूष पासवान, सूरज दास, रंजन ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन दे दिए, तो नगर परिषद के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा। आप सब लोग इतनी गर्मी में आए और हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा पहला चुनाव है और सभापति पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। आप सभी के विश्वास को बनाए रखने का काम करूँगा। आने वाले समय में बांका की जनता, बांका के युवा, महिला, वृद्ध सभी का ख्याल अपने परिवार की तरह रखूँगा और आने वाला समय बांका नगर परिषद एक बढ़िया क्षेत्र होगा। जो पुराने समय से चला आ रहा है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, विकास की जो धारा हमें निकालनी है और बहानी है, उस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। और पहली बार ऐसा बांका नगर परिषद क्षेत्र में हो रहा है, वो एक शिक्षित और साफ छवि वाला व्यक्ति आपके सामने उम्मीदवार के रूप में आया हुआ है, उसको आप ज़रूर से वोट देकर विजय बनाएं और आने वाले समय में बांका को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। बहुत समस्या, क्या पहली प्राथमिकता होगी समस्याओं के समाधान, और क्या मुद्दा लेके जाइएगा जनता के बीच में? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चाहे वो प्रति जमीन का टैक्स हो, नाली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, समस्याएं कई हैं। सभी लोग वाकिफ हैं समस्या क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी वार्ड में खड़े हो जाइए, समस्याओं की लिस्ट लगी हुई है। इसीलिए समस्याएं गिनाने में मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा जो आने वाले समय में मुद्दा होगा, वो कैसे मैं उन समस्याओं को हल करूंगा, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सोच विचार करेंगे, उसके लिए रास्ता निकालेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में उन सभी समस्याओं को, जो कि अभी मूलभूत समस्या से काफ़ी सारे वार्ड वंचित हैं, पेयजल की समस्या है, सड़क की या नाली की समस्या है, तो आपका ब्लू प्रिंट क्या है, कैसे आप विकास के लिए, आप विकास आपका मुद्दा है, कैसे कीजिएगा? देखिए, आने वाले समय में जब मैं पद पर आता हूँ तो जो भी समस्या, पेयजल हो या नाली हो या सड़क हो या स्ट्रीट लाइट, और भी जैसे वृद्धा पेंशन, आवास की समस्या, वो सब, उन सबको दूर करने के लिए एक ही तरीका होगा। जब आपके मन में जनता के प्रति भाव हो कि कुछ करना है, तो सारी समस्याओं को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। और आने वाले समय में जब मैं इस पद पर आता हूँ, सभापति पद पर आता हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, ये सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई होगी, उसका काम सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करना होगा। और जब इस संकल्प के साथ हम लोग आ रहे हैं,
तो आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होगा और बांका एक नई ऊंचाई को देखेगा विकास के लिए। अब तक जो आप जनता के बीच में गए हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स, क्या आपको सहयोग कैसा मिला है, कैसा उम्मीद लग रहा है, जनता आपको किस रूप में देखना चाहते हैं? युवा बहुत उत्साहित है, बांका का युवा बहुत उत्साहित है और मेरे साथ भी है। युवाओं के साथ बड़े बुजुर्गों का भी बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद है। महिलाओं में बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और उम्मीद है कि वो सारा आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे आने वाले चुनाव में मिलेगा। और सभी की एक ही इच्छा है कि सभी लोग पुरानी कार्यशैली, पुराने कार्यकाल में जो काम हुआ है उससे असंतुष्ट है, उसी के बदलाव परिवर्तन के लिए मैं आगे आया हूँ। और मुझे जैसे हम लोग देख रहे हैं इस बार के चुनाव के समय में बहुत सारा जनसभा लग रहा है, चुनाव के समय तक उसको सीमित ना करके अगर उसको एक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया जाए, हफ्ते में, महीने में, कभी भी हो, जनता के बीच में अगर ये कैंप लगता है, जनता खुद ब खुद आप तक पहुँच सकती है आराम से। सर, आज आपने नॉमिनेशन किया, अपार जन समर्थन देखने को मिला, आपको कैसा लग रहा है? सर बताओ तो आज थोड़ा मुझे आँख भी भराया जब मैंने देखा कि जनता का इस तरीके से प्यार मुझे मिल रहा है और ये एक ऐतिहासिक दिन है माता के लिए ही नहीं, बिहार के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बिहार को भी आगे बढ़ना है।